जो लोग भी जिम्मेदार तो हैं, जिन लोगों पहले तो रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स की जाए, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करना होगा। आखिर ऐसा क्यों हुआ, क्यों इतने दिनों तक होता रहा, क्यों इसकी रोकथाम के लिए क्या किया आपने, दवाइयों के लिए क्या किया आपने, डॉक्टरों की कमी कैसे पूरी करने की कोशिश की, नहीं की तो क्यों, ऐसा क्यों हुआ कि एक एक बेड पे दो दो तीन तीन चार चार बच्चे हमारे उसमें मरीज बन के पड़े रहे इस हालत में। और हमारे जिस बात का नीतीश जी ने हमारे हम खुद भी इसका जिक्र किया है, नीतीश जी अगर 10 दिन पहले आगे होते तो सफाई के मामले में, अस्पतालों में बेड्स के मामले में, डॉक्टरों के कमी के मामले में, दवाइयों की कमी के मामले में बहुत कुछ ठीक हो सकता है, मैं इस बात को मानता हूँ। फिर ऐसा क्यों नहीं हुआ, इस पर मैं आपकी बात पर यही कहना चाहूँगा कि स्किल भी वही कह रहा था 2014 में आया था, और मैं उनकी नीयत पर शक तो नहीं करता हूँ, लेकिन क्या हम इतने बाध्य नहीं कर सके अपनी सरकार को, ये जोर नहीं दे सके कि जो रिसर्च सेंटर की बात हुई थी या जो बेड बढ़ाने की बात हुई थी या इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक करने की बात हुई थी, वो कुछ नहीं हो पाया। ये बहुत बहुत ही शर्म का विषय है, और अभी भी अगर अभी भी आप चौंकते हैं तो अभी भी इसका जल्द से जल्द परिणाम चाहिए। अभी भाषण की घड़ी गई, अब राशन की घड़ी है, अब ये बयानों की घड़ी गई, अब एक्शन की घड़ी है। और साथ ही साथ हम माननीय प्रधानमंत्री जी को इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं घट रही है, यानी एक तरफ जब से आए हैं वो कई घटनाएं घटी, चाहे आर्मी के साथ घटी, चाहे सीआरपीएफ के साथ घटी, लेकिन सबसे बड़ा ये कांड हुआ पूरे देश का और हमारे परिवार के बच्चों के साथ बिहार में, मुजफ्फरपुर में, अलग अलग जगह शिवहर में, हाजीपुर में, और साथ ही और उसके उसी में आ रहा और उसके बाद इतनी लू से इतने लोग के ऐसा लू की स्थिति हुई है कि दफा 144 भी लागू करना पड़ा कहीं पे। तो क्या प्रधानमंत्री जी का ये फर्ज कर्तव्य नहीं बनता है, राष्ट्रीय कर्तव्य, कि राष्ट्रीय आपदा अगर इसको घोषित नहीं भी करते हैं तो राष्ट्र का अपना कर्तव्य समझते हुए सामने आकर अपनी सहानुभूति और सिर्फ संवेदना ही प्रकट न करें, बल्कि हम लोगों को, देशवासियों को और खासकर हमारे बिहार वासियों को एक रोड मैप दें। क्या उनका कर्तव्य नहीं है, मैं उनसे भी अपील करता हूँ।